किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसानों के लिए 10 लाख करोड़ का ऋण, मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की संभावनाएं, बुल मदर फार्म में नस्ल सुधार केंद्र शुरू, चूहों से फसल को बचाएं और जायद में लगाएं तिल। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने गत दिनों संसद में वर्ष 2017-2018 का आम बजट पेश किया। इसमें रेल बजट भी शामिल था। वित्त मंत्री ने गांव, गरीब, किसानों एवं ग्रामीण विकास को फोकस करते हुए किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री सूर्य प्रकाश मीणा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की अत्यधिक संभावनाएं हैं। उद्यानिकी विभाग में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा तथा विभागीय अधिकारियों के सुझाव पर काम किया जाएगा। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए विभिन्न उद्योगपतियों से जिला स्तर पर चर्चा करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए हैं। श्री मीणा ने गत दिनों उज्जैन इंदौर संभाग के उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली एवं दिशा निर्देश दिए। बैठक में उद्यानिकी मंत्री इंदौर संभाग में मिर्च की फसल के वायरस रेजिस्टेंस होने से ऐसी किस्म का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं जिसमें वायरस ना लगे। उन्होंने कहा कि अब समय उद्यानिकी फसलों का आ गया है क्योंकि कृषि उत्पादन के शिखर को हम छू चुके हैं। उन्होंने उद्यानिकी फसलों की मार्केटिंग के लिए रणनीति बनाने को कहा है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन तथा पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने गत दिनों भोपाल स्थित बुल मदर फार्म में नस्ल सुधार केंद्र का लोकार्पण किया। खेत में खड़ी गेहूं की फसल में जब बालियां निकलती हैं और दाना बनने लगता है तभी चूहों की सक्रियता बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे पहले खेत का सर्वेक्षण करें और चूहों के बिलों को बंद करें। इसके बाद सादे आटे की गोलियां बनाकर सक्रिय बिलों के पास रखें ताकि एक दो दिन में चूहे और अधिक सक्रिय हो जाएं। इसके बाद तीसरे दिन जहरीली गोलियों का उपयोग कर चूहों का नियंत्रण करें। जहरीली गोलियों के लिए 1 किलो आटा, फूले हुए गेहूं के दाने, 25 मिलीलीटर खाने का तेल, 25 ग्राम जिंक फास्फाइट को मिलाकर लकड़ी के चम्मच से चलाकर अच्छी तरह से मिलाएं और पानी डालकर गोलियां तैयार कर लें। इन्हीं गोलियों का उपयोग करें। ध्यान रखें कि मरे हुए चूहों को खेत में गाड़ दें ताकि पालतू कुत्ता या बिल्ली उसे ना खा सके। तिल की काश्त अगर वैज्ञानिक तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखकर करें तो खरीफ की अपेक्षा जायद में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तिल की विकसित जातियां जैसे TKG 22, TKG 55, JTS 8, TKG 36 इत्यादि लगाई जा सकती है। बुवाई का उचित समय फरवरी माह है। उर्वरक में नत्रजन 130 किलो, 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट पोटाश 33 किलो प्रति हेक्टेयर दें। उर्वरक एवं बीज मिश्रण कदापि नहीं करें। बीज दर 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 डीडी किसान पर। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे। न रुकेगा तू न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम सामयिक चर्चा करेंगे, खास तौर से खेती किसानी के कार्यों के बारे में। और विशेष तौर से हम आपको बता दें कि ये हमारा सजीव कार्यक्रम है। टेलीफोन के माध्यम से आप हमारे विशेषज्ञ से सीधे सवाल करेंगे और हमारे विशेषज्ञ आपको तुरंत उत्तर देंगे, आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। हम आपको टेलीफोन नंबर बता दें दर्शकों, भोपाल का एसटीडी कोड है 0755, टेलीफोन नंबर है 2660049, और एक हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप टेलीफोन लगाएं और अपने प्रश्न जो है हमारे विशेषज्ञ से सीधे रखें। हम आपको बता दें हमारे आज के विशेषज्ञ हैं रविंद्र मोदी जी, जो कि उप संचालक है पन्ना जिले में पदस्थ है कृषि विभाग में। मोदी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे खेती किसानी में सामयिक कार्यों की, तो कृषि में इस समय कौन कौन से जरूरी सामयिक कार्य हमारे किसान भाइयों को करने चाहिए जी, बताएं आप। सोनी जी, इस समय पे जो है रबी की फसलों की पूरे प्रदेश में देखा जाए तो बढ़वार बहुत अच्छी है। मौसम इस बार लगभग साथ देता रहा है, कुछ छोटी मोटी जगहों पर अपन देखें उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जी, बहुत ज़्यादा इस बार नुकसान की संभावना नहीं है फसलों में। फसलों की बढ़वार ऑलमोस्ट बहुत अच्छी है, चाहे वो रवी हो मतलब गेहूं हो, चाहे चना हो, मटर हो, मसूर हो, आपकी जो है अलसी हो या सरसों हो, सभी फसलें इस समय पर बहुत अच्छी हैं। और अलग अलग फसलों में इस समय पर अलग अलग कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हम क्रम से फसलों को लेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। जैसे यदि हम गेहूं को ले लें, एक बड़े क्षेत्र में मध्य प्रदेश में गेहूं लगाया गया है इस बार, तो हम गेहूं को ले लें तो अलग अलग स्टेज का गेहूं है। कुछ लोगों ने जिनने अर्ली शोइंग कर दिया है वहाँ पे गेहूं मैच्योरिटी पे भी पहुँच गया है, ऐसे गेहूं की देखरेख करने की आवश्यकता है। और जैसे ही गेहूं हमारा पक के बिल्कुल तैयार हो जाता है तो उसको जो हमारे पास में साधन है उनके हिसाब से उनकी कटाई की जाना चाहिए। जो कि बिल्कुल जिनने सूखा गेहूं लगाया है, रेनफेड जिसको कह दें, या फिर बहुत जल्दी अर्ली शोइंग कर दी है, जिनने खरीफ की फसलें जल्दी से निकाल के शोइंग कर दी है, ऐसी बहुत छोटे से क्षेत्र में वो गेहूं है। दूसरा गेहूं जो है जहाँ पे बालें बन गई हैं और दानों में दूध भर रहा है, ऐसी जगहों पे हमारे यहाँ पे अगर किसान भाई देखते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है जी, अगर सिंचाई की आवश्यकता है
उनको अगर महसूस होता है कि सिंचाई की आवश्यकता है और उनके पास में सिंचाई का पानी उपलब्ध है तो उनको एक हल्की सिंचाई वहाँ पर देना चाहिए। बिल्कुल मोदी जी, आपने कहा कि तापमान बढ़ रहा है और किसान भाइयों को उस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन अभी किसान भाइयों हम देख रहे हैं कि प्रदेश में कुछ 2-3 दिनों से जो मौसम बदला है, कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी हुई है, कहीं छुटपुट ओले की शिकायत भी मिली है, और कहीं पर किसान भाइयों को ये शंका भी हो रही है कि कहीं जो है पाला पड़ने की स्थिति तो ना बन रही है, तो इसको समझते हुए हमारे किसान भाई क्या करें? हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है सोनी जी, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इस समय पे अब पाले की स्थिति नहीं है और शायद आगे भी पाले की स्थिति निर्मित नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि अब पाला पड़ने की संभावना तो नहीं है, ये इस चीज़ से किसान भाई निश्चिंत हो जाएं। हाँ, कहीं पे ओला पड़ने की संभावना है, पिछले दिनों में हमने समाचारों में सुना भी है, खेतों में जाकर देखा भी है, छोटे दाने के रूप में ओले गिरे हैं, और जैसा मौसम में बदलाव हुआ है हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, हम इसको मतलब किसानों के पक्ष में लेंगे कि मौसम का जो बदलाव है वो किसानों के पक्ष में हुआ है। हल्की बारिश जरूर हुई है लेकिन रबी के फसलों के लिए वो बारिश फ़ायदेमंद रही है। कुछ जगहों पे छोड़ दें जहाँ पे थोड़ा सा ओला पड़ गया है, वहाँ भी फसलों में नुकसान की संभावना बहुत कम है क्योंकि ओला बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पड़ा है, तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि फसलों को नुकसान हुआ है। और जैसे हमारे मौसम के प्रिडिक्शंस आ रहे हैं उनको देखते हुए भी हमें लगता है कि आगे भी बहुत ज़्यादा ऐसा विपरीत मौसम बनने की संभावना नहीं है। टेम्परेचर 2-3 दिन में डाउन हुआ है, ये एक अच्छा साइन है, और गेहूँ के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि और होली तक अगर ये ठंड खिंच जाती है तो गेहूँ का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। हमारे जो बुजुर्ग किसान भाई हैं वो इस चीज़ को भलीभांति जानते हैं, अगर होली तक गेहूँ मतलब ठंड थोड़ी रहती है, गुलाबी ठंड हम जिसे कहते हैं, तो गेहूँ की फसल बहुत अच्छी आती है। तो हम यही चाहते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन बना रहे और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। बिल्कुल मोदी जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि मौसम जब बदल रहा है तो किसान भाइयों इससे चिंतित होने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे प्रदेश के कई किसान भाई जिन्होंने अरहर लगाई है तो उन्होंने अरहर को निकाल भी ली है, खलिहान से लेकर वो मंडी तक भी ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही, तो उनको अरहर के लिए क्या कुछ करना चाहिए, मतलब कौन सी बातों का ध्यान? बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनी जी, क्या है फसल उत्पादन करना एक अपना आयाम है, दूसरा आयाम है उसके सही दाम मिल जाएं। बिल्कुल, आज होता क्या है कि जैसे ही हमारी फसल मार्केट में आती है, मतलब उत्पादन हमारे किसान का जब मार्केट में आता है तो मार्केट ऑटोमेटिक डाउन चला जाता है, ये अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है। सप्लाई ज़्यादा होगी नेचुरली रेट कम होगा। बिल्कुल, तो हमारे किसान भाइयों को इससे किस तरह से अपनी फसल को अच्छा दाम दिलाएं, उन तरीकों की तरफ सोचना पड़ेगा। तो पहले तो हम देखें कि अपने खलिहान में अगर खुले में हमारी जो कटी हुई फसल रखी है तो प्रयास करें कि कहीं थोड़ा सा छायादार जगह में, मतलब छायादार मींस अगर पानी गिरता है तो उससे हमारा सुरक्षा हो सके, वहाँ पे उसको रखें, भली भांति उसको सुखाएं, उसके बाद में फिर उसकी प्रोसेसिंग करें, प्रोसेसिंग करने के बाद में मार्केट ले जाने के पहले एक बार हम उसकी ग्रेडिंग जरूर करें। अच्छा, जब हम अपने उत्पाद की ग्रेडिंग कर लेंगे और नेचुरली जब दाना एक सा होगा उसके दाम डेफिनेटली मार्केट में अच्छे मिलेंगे। अगर हमारे किसान भाई बिना प्रोसेस किए हुए, बिना ग्रेडिंग किए हुए अगर हम अपना अनाज मार्केट में ले जाएंगे बेचने के लिए तो उसका दाम अच्छा नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों को ये आवश्यक है कि एक बार ग्रेडिंग करें, ग्रेडिंग करने के बाद में जो अच्छी क्वालिटी का हमारा जो अनाज है उसको हम अच्छे दामों में बेचें और जो लोअर क्वालिटी का आया है उसको हम कम दामों में, हाँ मतलब उसको अलग रखें, अलग अलग की जो अलग उसकी क्वालिटी बने। हाँ। मोदी जी बहुत अच्छी बात बताई, और किसान भाइयों हम आपको बता दें कि रविंद्र मोदी जी उप संचालक कृषि विभाग से है और वो हमारे बीच में मौजूद हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आप टेलीफोन लगाकर सीधे प्रश्न कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040, ये टोल फ्री नंबर है, किसी तरह का शुल्क नहीं लगता है। इसके साथ ही दूसरा नंबर है 2660-0049। मोदी जी, अरहर की बात हो गई, इसके साथ में हमारे प्रदेश में जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर राई या जो सरसों है, हाँ, उसका काफी रकबा हमारे किसान भाइयों के पास। बिल्कुल सोनी जी, आप सही कह रहे हैं। तो हमारे उत्तरी क्षेत्र में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन जिलों में हम जाएंगे और मंदसौर तक अब तो उसका विस्तार हो गया है, और बुंदेलखंड में भी बहुत सारे किसान लोग सरसों लगाने लगे हैं, राई सरसों की फसल लगाने लगे हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार अगर हम सरसों की फसल देखेंगे, पिछले कई सालों से ऐसी फसल देखने को जो है खेतों में नहीं मिली है। राई की फसल और सरसों की फसल बहुत अच्छी है,
तैयार हो चुकी है, कई जगह पे कटाई की स्थिति जो है उसमें आ चुकी है, क्योंकि थोड़ा सा राई सरसों जो है हम लोग अर्ली लगाते हैं। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, राम प्रसाद जी रीवा से। राम प्रसाद जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। राम प्रसाद जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप प्रश्न करें। हाँ जी, ये है कि प्याज और लहसुन मैं लगाया हूँ थोड़ा सा अपने घरेलू काम के लिए जी। तो उसमें जड़ के पास से मिट्टी वगैरह थोड़ा निकालनी पड़ती है क्या? लहसुन लगाइए, हाँ जी, लहसुन और प्याज, और सिंचाई कितनी करनी है? मैं प्रॉपर सुन नहीं पाया, ये क्या? एक बार और आप दोहरा सकेंगे आपका प्रश्न क्या है राम प्रसाद जी? लहसुन और प्याज लगाए हैं। लहसुन, आपने लहसुन और प्याज लगाया, उसमें समस्या क्या आ रही है आपको ये बताइए। उसमें समस्या ऐसा कुछ नहीं है, उसके जड़ के बगल से कंद जहाँ पड़ती है वहाँ से मिट्टी वगैरह निकालनी है क्या? मतलब जो जड़ है, हाँ, जड़ के आसपास मिट्टी निकालनी, क्या निंदाई करनी की, गुड़ाई नहीं, करनी? नहीं, निंदाई गुड़ाई तो देखिए आपको हर फसलों में करनी है। निंदाई गुड़ाई आप करेंगे तो उसका जो बल्ब है वो बहुत अच्छा बनेगा। वहाँ पे आसपास में जो पौधे के पास में अगर खरपतवार हैं तो उनको निकाल दीजिए, और मिट्टी को थोड़ा सा आप खोल देंगे तो उसको प्रॉपर जो है जड़ों को हवा मिल पाएगी, और जड़ों को जब हवा मिलेगी तो उसका बल्ब जो मतलब गठान जिसको हम कहते हैं वो गठान बहुत अच्छी बनेगी, इसलिए आप निंदाई जरूर कर दें वहाँ पे। तो राम प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी, जैसे कि गुड़ाई की अगर बात की जाए, हाँ, तो कोई भी फसल होती जी है जी, तो उसमें गुड़ाई का अपना महत्व है, बहुत ज्यादा तो महत्व है। जो पारंपरिक तौर पर जो गुड़ाई की जाती थी जी, और आज जो है चाहे खरपतवार निकालने के लिए, हाँ, गुड़ाई करते हैं तो वो दवा का उपयोग कर लेते हैं, तो उसका क्या महत्व? देखिए दवा का एक अपना अलग महत्व है, लेकिन जो निंदाई गुड़ाई का महत्व है उसको हम नकार नहीं सकते। हमारे किसान भाइयों को पहले प्रयास ये करना चाहिए कि अगर उनके पास में मानव श्रम उपलब्ध है तो वो हाथ से ही उसकी निंदाई गुड़ाई करें और बीडिंग करें, मतलब उसकी खरपतवार को उखाड़ें। अगर कहीं बिल्कुल ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि हमारे पास में मानव श्रम नहीं है, या हमारे पास में क्षेत्र बहुत ज़्यादा है उसके हिसाब से हम आदमी नहीं लगा सकते निंदाई गुड़ाई के लिए, तभी उन्हें जो है केमिकल बीडी साइट के ऊपर जाना चाहिए, यानी केमिकल खरपतवार नाशी उन्हें उपयोग करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक प्रयास हो वो अपने हाथ से निंदाई गुड़ाई करेंगे तो जितनी ज़्यादा मिट्टी खुलेगी उतनी ज़्यादा हमारे पौधों को ऑक्सीजन मिलेगी और वायु मिलेगी, और वायु मिलने से पौधे हमारे तंदुरुस्त होंगे, और उनका जो एब्सॉर्प्शन का कार्यक्रम है, मतलब जो मिट्टी से जो पोषक तत्व हैं उनको लेने का कार्यक्रम है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे आनंद जी है सागर से हमसे जुड़ रहे हैं। आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप प्रश्न करें। जी आनंद जी आप प्रश्न करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर चने में कीड़ लग रही है, उसके लिए क्या करें? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात पे आने वाला था तब तक आपका फोन आ गया। कुछ क्षेत्रों से चने में इल्ली की शिकायत आ रही है, जैसे मौसम चेंज होता है और जैसे बादल वाला मौसम होता है वो इल्ली के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है, और उसमें इल्ली की जो मतलब बढ़ने का कार्यक्रम है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो जहाँ भी किसान भाई देखेंगे कि वहाँ पर इल्ली अगर आ रही है तो उनको प्रोफेनोफास नाम की दवा आप उपयोग करिएगा, उसका जो है इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर अंडे हैं उनको भी मारता है, प्यूपे पे भी उसका इफेक्ट रहता है और इल्ली पे भी उसका इफेक्ट रहता है। तो किसान भाई प्रोफेनोफास नाम की दवा ले लें और उसको एक लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो जो है चने के खेत में छिड़काव करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि पानी उसमें कम से कम 500 लीटर जाना ही चाहिए। किसी भी हालत में हम 500 लीटर पानी का उपयोग करेंगे एक हेक्टेयर के लिए, तभी पौधे को हम अच्छे तरह से दवा से तर कर पाएंगे और उसका इफेक्ट हमें अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो किसान भाई प्रोफेनोफास उसमें उपयोग करें। तो हम समझ सकते हैं कि आनंद जी ने जो प्रश्न किया है तो शायद वो आपकी बातों को अपनाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल अपनाएंगे और उनको फायदा। अच्छा रविंद्र जी, जो चने की इल्ली की बात हुई है, तो जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे ज़्यादा ठंड लगती है, शीतलहर चलती है, उस समय जो है इल्ली का प्रकोप ज़्यादा क्यों हो जाता है? एकदम हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम शीतलहर में इल्ली का प्रकोप होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम पे। हम चर्चा जारी रहेंगे, एक हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, डालचंद जी मंदसौर से हमसे जुड़ रहे हैं। जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी आप प्रश्न करें। सर मेरा प्रश्न ये है कि हमारे लहसुन लगी हुई सर जी। हेलो। हाँ जी आप प्रश्न करें। हाँ प्रश्न करें आप। लहसुन लगी हुई सर, तो वृद्धि तो बहुत कर ली लेकिन वो बल्ब नहीं बना सर, उसका क्या कारण है? लहसुन लगी हुई है। लगी हुई है अभी तो, अब निकालने के बाद में दूसरी फसल आपको लेना है उसमें? नहीं नहीं फसल नहीं लेना, आपका कहना ये है कि उसमें बल्ब नहीं बन रहे हैं। हाँ
है ना, वृद्धि नहीं कर रहा। अच्छा, उसके हाँ, कंद कितने दिन की आपकी फसल हो गई है? सर अभी तो करीबन वो जो 2 महीने ऊपर हो गई है। 2 महीने से ऊपर हो गई है। आप थोड़ा सा एक काम करिएगा, मंदसौर में आप हैं तो मंदसौर में कृषि विज्ञान केंद्र पे या कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों को थोड़ा सा एक बार अपने खेत पे दिखा लीजिए, या हमारे कृषि विभाग के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनको दिखा लीजिए। 2 महीने हो गए हैं तो बल्ब बनना शुरू होना चाहिए, बिल्कुल समय हो गया है बल्ब बनने का। फिर भी एक बार उनको आप दिखा लेंगे तो वो बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ से बिना फसल देखे हुए ये बता पाना मुश्किल है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। आप निंदाई गुड़ाई उसमें प्रॉपर करें, और पानी की अगर आवश्यकता है आप देख लीजिए, मिट्टी में अगर नमी नहीं होगी तो बल्ब प्रभावित होते हैं, तो इसलिए आप मिट्टी में नमी प्रॉपर बना के रखें। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो सकती है, तो जब हमारे कोई वैज्ञानिक वहाँ पर विजिट करेंगे तो वो आपको प्रॉपर बता पाएंगे कि किस सूक्ष्म तत्व की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी आप खेत में नमी बनाएं और निंदाई गुड़ाई रखें। जी, तो डालचंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। और मोदी जी अगर हम बात करें मौसम की, हाँ मैं तो इल्ली की बात उस समय कर रहा था, तो जब तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है इल्ली की। सर्दी में हम देखते हैं हम लोग भी अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी संकुचित कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी के बाद में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है या बादल वाला मौसम होता है, कम धूप मिलती है, उस समय पे इल्ली का जो एगलिंग का काम है वो बहुत तेज़ी से होता है, और फिर एगलिंग होती है उसके बाद में हैचिंग होती है और उसमें से इल्लियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, एक दर्शक हमसे जुड़ रहा है, अभिषेक जी है नरसिंहपुर से। अभिषेक जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, आप प्रश्न करिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मिर्च में जो जो रस चूस रही है इल्ली, उसके लिए कुछ दवाई? देखिए, मिर्च में जो रस चूसने वाले कीड़े आने का हमेशा से प्रॉब्लम रहता है। आप ऐसा करें, डायमेथियोट दवा ले लें, डायमेथियोट की जो है 1 लीटर या 1.25 लीटर तक आप स्प्रे कर सकते हैं, या मार्केट में आपके यहाँ पर जो भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है आप उनसे बात करिए कि हमें अंतर प्रवाही विष चाहिए, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, वो आप लेके और उसका जो अनुशंसित वो होगी मात्रा आप उसके उस पर देखें, जो अंदर एक उसमें पर्चा निकलता है कागज, उसमें अनुशंसित मात्रा लिखी होगी, आप उसको उपयोग करेंगे तो उसमें कंट्रोल आपको मिल जाएगा रस चूसने वाले की। बिल्कुल, अभिषेक जी के प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और रविंद्र जी, यदि हम फसलों की बात करें तो मसूर भी हमारे प्रदेश में काफ़ी हिस्से में बोई जाती है, और इस समय मसूर की फसल जो है उसमें सामयिक कार्य क्या करने चाहिए? आप सही कह रहे हैं, मसूर भी हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा बोई जाती है, और दलहनों के मामले में हम नंबर एक पे हैं इस समय पे। बिल्कुल, और मसूर की भी स्थिति ऑलमोस्ट देखें तो हम राई सरसों की तरह हैं, क्योंकि दोनों की जो सोइंग होती है लगभग लगभग सेम टाइम पे होती है, और मसूर भी इस समय पे खेतों में बिल्कुल तैयारी की स्थिति में है। अच्छा, जिनने थोड़ा सा लेट बोई है मसूर, वहाँ पर उनके यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पर उकटा रोग की संभावना बन जाती है जिनकी लेट मसूर है उनमें। जिनका दाना पक्का हो गया है उनको कोई समस्या की बात नहीं है, उनको सिर्फ प्रॉपर तरीके से उसकी मतलब कटिंग करना चाहिए अपनी फसल की, और भली भांति सुखा के उसका वही जो मैंने अरहर के मामले में बताया, उसकी ग्रेडिंग करें प्रॉपर, और ग्रेडिंग करके मार्केट में उसको बेचने के लिए जाएं। लेकिन जहां पर भी उनको अभी फली में दाना पड़ रहा है और वहाँ पर अगर उनको उकटा रोग की समस्या आ रही है तो वो लोग उसमें एक फंजीसाइड का स्प्रे जरूर करें, फफूदनाशक आप जो है वो कर सकते हैं, बाविस्टीन वगैरह डाल सकते हैं या M45 डाल सकते हैं, इसका उपयोग आप कर सकते हैं अगर उकटा की समस्या हो रही है तो। हाँ, अन्यथा करने की जरूरत, उसकी आवश्यकता नहीं है, निगरानी हम रखें। एक हमारे दर्शक भोपाल से जुड़ रहे हैं, हीरालाल जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी आपका स्वागत है। हाँ सर, सर मैं ये जानकारी चाह रहा था जी कि सर मेरी जो लहसुन है वो ऊपर से सूख रही है और नीचे से जो कलियां हैं वो सही नहीं बनी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर उसके लिए क्या चीजें यूज करनी चाहिए? देखिए हीरालाल जी, आप ये बताएं कि आपकी जो लहसुन बिल्कुल ऊपर टिप से सूख रही है या उसमें जो है छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं उसकी पत्तियों के ऊपर? सर उसमें कुछ कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं। धब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपकी फसल के ऊपर थ्रिप्स का आक्रमण हुआ है। आप उसको थ्रिप्स को रोकने के लिए आप उसमें एक बार दवा का प्रयोग करेंगे, और वो दवा आप इथोफेन प्रॉक्स ले लीजिए।
इथोफेन प्रॉक्स की नाम की दवा आएगी, वो दवा आप जो है 1 लीटर से 1.25 लीटर तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर है कि जो हीरालाल जी ने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर मिल गया होगा उनको। और चूँकि हम मसूर की बात करते हैं, मसूर के साथ में जो है, यदि हम इस समय जो हमारी फसलें जो है खेत में से निकल आएंगी, इसके बाद में हमारे प्रदेश के किसान भाई जो है जायद की फसलों की तैयारी करने लग जाते हैं, हाँ, तो अगर सामूहिक तौर पर कुछ काम करने हैं आगे की फसलों के लिए तो क्या तैयारी बनानी है? सोनी जी, आप सही कह रहे हैं। अब हमारे जो प्रदेश में है जायद की फसलों का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सरकार भी जो इस ओर ध्यान दे रही है, क्योंकि दलहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें जायद पे जाना पड़ेगा। द्वि फसली जो हमारे यहाँ की पद्धति है उससे हमें 3 फसलों पे पहुँचना पड़ेगा जी। और हमारे बहुत सारे किसान भाई जायद की फसलों को अपनाते हैं, और जिनके पास में पानी है वो लोग जायद की फसलों के लिए प्लान कर सकते हैं। ऐसे किसान भाई जिनकी सरसों अर्ली है या जिनकी मसूर अर्ली है या जिनने चना लगाया है हरा चना बेचने के लिए, ऐसे किसान भाई जायद के लिए जा सकते हैं, या मटर जिनने हरी मटर बेचने के लिए मटर लगाई है, वो किसान भाई अपने खेत जिनके खाली हो गए हैं वो इस समय पे खेतों की तैयारी तुरंत कर दें शुरू। हमें जो जायद की फसलें हैं वो फरवरी लास्ट वीक और मैक्सिमम मार्च के फर्स्ट वीक तक उनकी सोइंग कर देनी चाहिए। अच्छा, उस समय तक क्या होता है कि खेतों में मॉइस्चर रहता, नमी रहती है, हमें उस नमी का उपयोग मिल जाता है और हम अपनी फसलों की बोनी कर लेते हैं। उसके बाद में फिर जब आवश्यकता लगती है तो हम उसमें उनकी क्रांतिक अवस्थाओं के हिसाब से पानी का अपना मैनेजमेंट कर लेंगे, जितना हमारे बोर में पानी होगा या कुएं में पानी होगा उस हिसाब से हम मैनेजमेंट करके और जो है उन फसलों को बोने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें हम मसूर वो अपना उड़द ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, बिल्कुल ये फसलें, कहीं कहीं सोयाबीन भी लेते हैं हमारे किसान। सोयाबीन का ऐसा प्रचलन है नहीं। अच्छा, कुछ किसान वो प्रैक्टिकल तौर पे कर रहे हैं, एक दो जगह मैंने भी देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उनको मिल पाएगा और बहुत अच्छी खेती वो कहलाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के हिसाब से सोयाबीन में फलन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। तो मतलब उड़द मूंग जो है वो एकदम जायद के लिए सूटेबल फसलें हैं, ट्रस्टेड फसलें हैं और कई सालों से हमारे किसान भाई कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन उनको एक सलाह मेरी जरूर रहेगी कि जिस समय पे रबी की फसलें कट जाती हैं, हम जैसे अप्रैल महीने में पहुंचेंगे तो रबी की फसलें पूरी कट जाएंगी, उस टाइम पे क्या होता है कि खेत एकदम पूरे खाली दिखाई देते हैं और जिसने भी जायद की फसल लगाई है उनके यहाँ पर जो है हरियाली दिखाई देती है। हाँ, तो इसका मतलब यही रहता है कि वो जायद की फसलें ले रहा है। और तो मोदी जी, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, जाहिर है कि इन बातों से हमारे किसान भाई पूरी तरह सहमत होंगे, लाभ जरूर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम आपके लिए था, आपके अनुभव के लिए था, आपने जरूर लाभ उठाया होगा। अगले कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.